आश्रम के अरुण आएंगे, हाथ उठाकर आपके पैर के आगे रख दो, मैं कल विशेष वस्तु और आपको प्रदान करूंगा आपका नाम देखकर राशि के अनुसार कल सुबह। क्यों? कि मैंने वो वस्तुएं जो आपको सिद्ध करने के लिए दशमांग एग्जाम को सिद्ध करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए कल यही विशाल अरोरा है, मैंने फ्लाइट से मंगवाया था वो सारे जो रत्न चाहिए थे उन रत्नों को मैंने दशमांग एग्जाम के रत्नों को वहां से मंगवाया है और कल सुबह दूंगा आपके पास। अरुण कलेक्ट करने के लिए आएगा, कागज उसके अकेले के हाथ में दे दो, वो कागज ले लेगा और कागज के अनुसार मैं आज रात में जो रत्न आपको देना है उस रत्न को लिखूंगा और कल सुबह उसको आपको प्रदान करूंगा आपकी चिट्ठी के अनुसार। अरुण आपके पास आ रहा है, नाम एड्रेस और दशमांग एग्जाम के नाम लिखते हैं, अगर अच्छा है फोन नंबर दे देते हैं तो अगर मिस हुआ तो फोन नंबर भी दे देंगे। जिन्होंने 40 दिन की दीक्षा की है भिक्षा मांगकर गुरु वचनों को पाला है, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपको अपने साथ साधना में ले जाऊँ अगर आप ये अपनी इच्छा रखते हैं तो। मेरी भी इच्छा है कि आप अगले साल 3 दशमांग विद्याओं को सिद्ध करें, एक चैत्र नवरात्रि, दूसरी अश्विन नवरात्रि और तीसरी गुप्त नवरात्रि। अगले गुरु पूर्णिमा तक जो 3 महाविद्याओं को गुरु जी के विशेष दुर्लभ सिद्धियाँ इस पुस्तक में जिस प्रकार लिखा गया है उसी के प्रकार जो दस महाविद्याओं को 3 महाविद्याएं सिद्ध करता है वो मेरे साथ 3 साल में जब भी मैं ले जाऊँगा मैं अपने खर्चे पर उसको ले जाऊँगा, ये बात भी बता दूंगा। उनको किसी प्रकार का खर्चा नहीं होने दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियां में जिस प्रकार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है उस प्रकार अश्विन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में आप 3 महाविद्याओं की साधनाओं को करेंगे, आप सिद्ध हुए सफल हुए इसके बारे में। और शर्त उसमें एक ही होगी कि आपको या तो निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद या निखिल धाम बोधन में ही इन 3 नवरात्रियों में साधना करनी होगी। मुझे नौकरी है वो है ये है नहीं बोलने का, आपको साधना यहाँ करनी है ताकि मुझे पता चले कि आपने साधना संपन्न की है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको मैं मेरे साथ हिमालय जाऊँगा तो मेरे खर्चे पर ले जाऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको साधना यहाँ करनी है और या निखिल धाम बोधन में करनी है। ये 2 जगहों में जिन्होंने भी इन 3 नवरात्रियों में साधना संपन्न की उनको मैं मेरे साथ अगले 3 साल में जब कभी भी हिमालय जाऊंगा मैं मेरे साथ उनको ले जाऊंगा। इससे पहले आप ये साधना जो करना चाहते हैं अभी 10 मिनट का समय दे रहा हूं, आपको पेपर दे दूंगा, आपकी इच्छा अनुसार जो महाविद्या करना चाहते हैं कागज पे आपका नाम एड्रेस और 3 महाविद्याओं के नाम लिखकर मेरे को दे दो, मैं आपको 3 महाविद्याओं को किसी प्रकार की अड़चन ना आए ऐसी एक वस्तु आपको अभी दे देता हूँ, कागज पर लिख के दे दो कि इन 3 नवरात्रियों में हम ये साधनाएं करेंगे, मैं पेपर आपको दे रहा हूँ। अश्विन नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, आगे अगले साल में आप एक एक महाविद्या सिद्ध करेंगे विशेष संख्या के अनुसार और वो या तो निखिल धाम बोधन या निखिल चेतना केंद्र में करेंगे, उनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं आपको ये अवकाश दे रहा हूं कि आप मेरे साथ आए, मेरी तरफ एक ही है कि हम गुरु जी को करके बताएंगे कि हमने भी साधना की है और हम इस बार की सिद्धि को लेकर चलेंगे। आप कागज पर आपका एड्रेस और कौन सी 3 महाविद्या है उसका नाम लिखकर मुझे दे दें। ఎవరైతే ఈ దీక్ష చేసి ఉన్నారో 40 రోజులు దీక్ష చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చే సంవత్సరంలో వచ్చే 3 నవరాత్రులు శరద్ నవరాత్రి, చైత్ర నవరాత్రి మరియు గుప్త నవరాత్రి అంటే గురు పూర్ణిమ అంటే బుధుడొస్తుంది, ఈ సంవత్సరంలో ఈ 3 నవరాత్రులు వస్తాయి, ఆ నవరాత్రుల లోపల గురుజీ చెప్పిన విశిష్ట దుర్లభ సత్య సిద్ధ్యాయ పుస్తకం లోపల దశమహావిద్యా సాధన గురుజీ ఇచ్చి ఉన్నారు, మీకు ఇష్టం వచ్చిన 3 దశమావిద్య సాధన మేము చేస్తామని మీ అడ్రస్ తర్వాత 3 మహావిద్యల పేరు రాసి నాకు ఇచ్చేయండి, నేను ఒక విశేషమైన వస్తువు మీకు ఇస్తాను, ఆ సాధనలో ఎలాంటి కష్టం లేకుండా సాధన మీ చేతితో పూర్తి అవ్వాలి, నా కోరిక ఒకటే గురువు చెప్పిన విధంగా మనము హిమాలయలోని సిద్ధాశ్రమ యొక్క ద్వారం వరకు వెళ్ళడానికి మనం చేసినాము అని గుండె మీద చేయి చెప్పుకోగలగాలి, కనుక ఇవి నా ముందే మీరు చేయాలని ఆశిస్తూ మీరు కాగితం పైన మీ పేరు 3 మహావిద్యుల పేరు రాసిస్తే ఒక వస్తువు మీకు ఇస్తాను, ఆ వస్తువు మీరు మీ దగ్గర పెట్టుకుని సాధన సంపన్నం చేయండి, కాగితారు ఆప్కా అడ్రస్ ఆర్ ఆప్కా నామ్ లిఖకర్ ముఝే అభీ 10 మినిట్ కే అందర్ అందర్ పహుంచాలో, జిన్కో కాగజ్ చాహియే ఆప్కో కాగజ్ లేకే లోగ్ ఆ రహే హాత్ ఉఠా లో ఆప్కో కాగజ్ దే, కాగజ్ లేనే కే లియే భీ లోగ్ ఆయేంగే ఆప్ బైఠ్ జావో, కాగజ్ లేనే కే లియే భీ లోగ్ ఆ జాయేంగే, బైఠో।